से पहले महत्वपूर्ण खबर, अब दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां किरतपुर में कोसी बांध का पश्चिमी तटबंध टूट गया है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई घरों में और दुकानों को बाढ़ के पानी ने निगल लिया है। जानकारी के मुताबिक करीब 500 मीटर से ज्यादा दूरी में बांध टूटा है और बांध के सामने पड़ने वाले एक सड़क से पुल का भी बड़ा हिस्सा बांध जो बाढ़ है उसके पानी में बह गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं दी गई है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार दास की स्पेशल रिपोर्ट। तो भूभौल गांव का में जो बाढ़ के पानी ने तबाही मचाई है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है, कई जगहों पर बांध का पानी कहर बरपा रहा है। दरभंगा से एक और बड़ी खबर आ रही है, भूभौल चौक के पास बांध टूटने के बाद 3 लोग लापता हो गए। जानकारी के मुताबिक जो लोग लापता हुए वो कानून टोली के रहने वाले हैं। वहीं परिजन और गांव वाले शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो कानून टोली के रहने वाले 2 लोग लापता हुए हैं। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर, बाढ़ किस तरह से कहर बरपा रही, इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब गए, लोग अब लापता होने लगे हैं। कानून टोली से 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 1 मुसरी टोले से लापता बताया जा रहा है। घरों में पानी घुस चुका है और अब परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। किरतपुर प्रखंड के भूभौल गांव में है और भूभौल गांव में जो बाढ़ जो तटबंध टूटा उसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं कि आबादी थी, वहां पक्के पक्के मकान बनाए गए थे और उसके सामने ही तटबंध टूटा है। और तटबंध टूटने से जहां पर 3 लोग बताए जा रहे हैं उस गांव में लापता हो गए हैं और तीनों जो एक पति पत्नी थे और एक अलग से थी, जो 3 लोग लापता है वहां से, वहां ग्रामीण से एक बूढ़ी माँ है जो किसी तरह अपनी जान बचा के बाहर आई है। क्या आदमी लापता है? दूटा एक वो बड़ा बच्चा एगो गया, 3 चार पता थे बिनो नहीं पता है कोई पुतो क्रोस करे हमारे आगा भे गए आगा भे के चल गई। हाँ हम सब आगा बन 3 गो, एगो बिनो सो आ एगो की कहे सरस्वती देवी। बिनो सो के परिवार सरस्वती देवी गायब था 3 गो आ एगो कमेश्वर। जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पानी का रौद्र रूप है, उसके सामने ही जो तटबंध टूटा है उसके सामने ही जो है वो आबादी थी और उसमें से 3 लोग अभी भी लापता हैं और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं लोग कि जो 3 लोग लापता हैं उनकी तलाश की जाए। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां सुगौली प्रखंड के उत्तरी गुआव पंचायत के वार्ड नंबर 1 में रिंग बांध टूट गया। सिकरहना नदी के बाढ़ के पानी के दबाव में बांध टूटा है। बताया जा रहा है कि लगभग 30 फीट तक बांध टूटा है, जिससे तेजी से पानी का बहाव फैल रहा है। आसपास के गांव के लोग दहशत में हैं, वहीं फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सीओ और जिला प्रशासन को दे दी है। तस्वीरें देखिए, पानी किस तेज बहाव से चल रहा है और इसकी चपेट में आने से कितना बड़ा हादसा हो सकता है अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सिकरहना नदी के तो जो तटबंध था वो टूट गया और जो ग्रामीण है अब वो परेशान नजर आ रहे हैं। प्रशासन को इसकी खबर दे दी गई है, प्रशासन कब तक राहत बचाव कार्य पहुंचाता है देखने वाली बात होगी, लेकिन पानी का बहाव देखकर वाकई ग्रामीणों को डर लग रहा है। तो तस्वीरें देखिए, पानी का बहाव कितनी ज्यादा तेज है। मोतिहारी से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुगौली प्रखंड की ये तस्वीरें। प्रशासन को बांध टूटने की जानकारी दे दी गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कब तक राहत बचाव कार्य किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। ग्रामीणों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, फसलें डूब चुकी हैं बाढ़ के पानी में, नुकसान हो रहा है और अब ये जो बाढ़ का पानी है वो गाँव की ओर रुख कर चुका है, घरों में घुस रहा है। ऐसे में ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। सुगौली प्रखंड की ये तस्वीरें, प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। ये तटबंध था जो अचानक से बाढ़ के तेज बहाव में बह गया है और अब ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बहाव कितना ज्यादा तेज है इन तस्वीरों में समझा जा सकता है।